आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 यह इंडिया का ट्रेंडिंग स्मार्टफोन है अभी के लिए आफ्टर द रेडमी नोट 5। इसमें जैसे है स्नैपड्रैगन का 636 का लेटेस्ट प्रोसेसर, ऐसे ही इसमें सॉफ्टवेयर भी है एंड्रॉयड का ओरियो 8.1। लेकिन इस फोन में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें जो नेटिव वीडियो कॉलिंग होता है जियो का वोल्टी वीडियो कॉलिंग जो जियो टू जियो होता है वो बहुत सा फ़ोन में इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें पहले से एक्टिव नहीं था। तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा इसको वोल्टी वीडियो कॉलिंग कैसे एक्टिव करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में HD कैपेबल तो हो रहा है, कॉल तो हो रहा है, लेकिन वीडियो कॉलिंग का बटन नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं वीडियो कॉलिंग का बटन डिसेबल है। तो इसी वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा कैसे ये एक्टिव करना होगा। हेलो, आई एम सोमनाथ, यू आर वॉचिंग सोम टिप्स। तो उसी में हाउ टू एक्टिव द वीडियो कॉलिंग और वोल्टी वीडियो कॉलिंग, तो आपको क्या करना होगा, पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कई नंबर है मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल एक्सेप्ट हो गया। आप देख पा रहे हो कि होल्ड एट कॉल बटन है, लेकिन राइट कॉर्नर में नीचे एक ब्लैंक स्पॉट है या ब्लैंक है, वहाँ पर वीडियो कॉलिंग आना चाहिए। तो ऊपर देख पा रहे हो आप HD लिखा है, ऊपर भी वो वोल्टी है, नेट भी एक्टिव है, लेकिन वीडियो कॉलिंग कहने से नहीं आ रहा है। तो इनकमिंग कॉल भी आ रहा है, ये जो ओपोनेंट में यूज़ हो रहा है वो रेडमी का फोर में यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी वीडियो कॉलिंग है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो पहले आपको क्या करना होगा, तो सिस्टम को अपडेट करना होगा। 26 मई को एक लेटेस्ट अपडेट आया था 186 MB का, वो आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो यह है बिल्ड का लेटेस्ट वर्जन। तो आफ्टर वो अपडेट उसमें आपको लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर की भी वर्जन का जो प्रॉब्लम था वॉलपेपर नहीं चेंज है वो भी सॉल्व हो गया। तो आफ्टर वो अपडेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, नेट को एक्टिव करना होगा, मोबाइल नेटवर्क में जाना होगा, एडवांस में जाना होगा। एडवांस जाने के बाद एनहांस 4G LTE को डिसेबल करना होगा 5 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद एनेबल करना होगा। जब वो डिसेबल करेंगे आप देखेंगे ऊपर से HD का नोटिफिकेशन हट गया है। फिर दोबारा एक्टिव करने के बाद कुछ ही देर में 10 या 5 सेकंड के बाद वो फिर से HD आ गया है, मतलब आप कॉल कर सकते हो। तो अभी के लिए आप क्या करना होगा, फिर से कॉलिंग का सेटिंग में जाना होगा, कॉलिंग सेटिंग के बजाय कॉलिंग अकाउंट पे जाना होगा, जियो 4G सिम को सिलेक्ट करना होगा। जियो 4G सिम को सिलेक्ट करने के बाद GSM ऑल कॉलिंग सेटिंग ऑल फॉरवर्डिंग सेटिंग के अंदर वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दो है, इसका मतलब आपको वीडियो कॉलिंग एक्टिव हो गया। अगर नहीं आ रहा है फिर से LTE का वोल्टी डिसेबल ऑन और ऑफ कर। फिर इसके बाद IMS सेटिंग पर जाओ। IMS सेटिंग के अंदर यहाँ पर कॉल क्वालिटी के बाई डिफॉल्ट मीडियम आएगा, आप लो मीडियम हाई कुछ भी कर सकते हो, मैं हाई रखा हूँ क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा आएगा वीडियो कॉलिंग में। तो मेरा सेटअप पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, मैं अब कॉल करने जा रहा हूँ। तो अब देखो उसी के आइकन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जब जाएंगे तो कॉलिंग के साथ साथ वीडियो का बटन भी एक्टिव हो गया ब्लू, अब डिसेबल नहीं है। तो मैं कॉल कर रहा हूँ, रिमेंबर इसमें सिर्फ जियो टू जियो ही काम करेगा, एयरटेल वोल्टी में काम नहीं करेगा। सो जियो टू जियो कॉल हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि इसमें एक्टिव हो गया है, वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि ये जो एनोइंग HD का आइकॉन है नोटिफिकेशन में जब फ्लोट करते हैं इसको कैसे हटाएं। भाई ये तो सिस्टम क्या आप है हटा नहीं सकते, लेकिन कुछ ट्रिक अप्लाई करके ये डिसेबल कर सकते। तो क्या करना होगा, नोटिफिकेशन पर होल्ड करो, फिर IMS पे आओ। IMS है इसका नाम। तो IMS के आने के बाद ऑन द लॉक स्क्रीन ऊपर में इम्पोर्टेंस है नोटिफिकेशन सेटिंग, उसको लो के सेट करो लो। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन डॉट भी डिसेबल कर दो। तो उसके बाद आप देख पा रहे हो ऊपर में HD लिखा नहीं है, लेकिन आपका वोल्टी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर देख रहे हो लॉक स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, तो आपका काम हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन में है वो अभी तक नहीं हटा। तो वो हटाने वो आप हटा नहीं सकते, लेकिन कुछ देर तक डिसेबल कर सकते। तो क्या करना होगा, उसमें लेफ्ट स्वाइप करो उस नोटिफिकेशन को, उसके बाद एक अलार्म का आइकॉन आएगा या स्नूज का है, स्नूज में जाओ, 1 आवर से 2 आवर सिलेक्ट करो, मैक्सिमम 2 घंटे तक आप डिसेबल कर सकते हो, इसका ज़्यादा नहीं। तो उसमें देखो आप चला गया, फिर 2 घंटे बाद जब आएगा फिर उसको डिसेबल कर दो। तो ऐसे ही आप कुछ देर के लिए तो उससे छुटकारा मिलेंगे। तो ये बहुत दिन बाद मुझे वीडियो बनाया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आगे से रेगुलर वीडियो आ रहेगा। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ नोटिफिकेशन आइकन भी एक्टिव कर लीजिए। और मुझसे साथ बात करना है तो मेरे फेसबुक का जो ग्रुप लिंक है और एज वेल एज पेज लिंक दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जरूर से लाइक और ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर मैं मिलता हूँ नए वीडियो में आप लोगों का बहुत ही जल्द। टिल देन हैव अ गुड डे and subscribe to Som Tips.